नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश वैष्णव 24/7 क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एंटीबायोटिक वर्सेस ह्यूमन। जो एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या है, साथ में वह हमें किस प्रकार फायदा पहुंचाती है, कौन सी ऐसी दवाइयां हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, मेरे यूट्यूब चैनल 24/7 क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। हम तो के एंटीबायोटिक क्या है, तो दोस्तों एंटीबायोटिक एक सामान्य दवा है जिसे डॉक्टर बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया के सामने लड़ने के लिए हमें लिखकर देते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है एंटीबायोटिक्स जो हमारी शक्ति वाली दवाइयां हैं जो कुछ संक्रमणों से लड़ने के लिए हमें डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। और मैं बता दूं कि यह ठीक से उपयोग की जाए ने पर, तो दोस्तों मैं अभी बता दूं कि दो एंटीबायोटिक शक्तिशाली दवाइयों में से एक है जो कुछ संक्रमणों से लड़ती है और ठीक से उपयोग की जाए तो यह हमारी जान भी बचा सकती है। वे या तो बैक्टीरिया को प्रजनन करने से रोकती है या उन्हें नष्ट कर देती है। तो दोस्तों इससे पहले बैक्टीरिया जो गुणा करे और लक्षण पैदा करे, प्रतिरक्षा प्रणाली आम तौर पर उन्हें हम मार सकते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC काउंट हानिकारक जीवाणुओं पर हमला करती है और भले ही लक्षण हो, प्रतिरक्षा प्रणाली आम तौर पर संक्रमण का सामान्य और लड़ सकती है जो एंटीबायोटिक्स दवाइयां है वह। कभी कभी हालांकि हानिकारक जीवाणुओं की संख्या अत्यधिक होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली उन सभी से नहीं लड़ सकती। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उसमें अलग 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 प्रकार की 3-4 दवाइयां, जिसमें आप पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, अभी पेनिसिलिन आधारित एंटीबायोटिक्स जैसे हमें एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन और पेनिसिलिन जी सभी विभिन्न प्रकार के संक्रमणों का इलाज कर सकती है। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। तो एंटीबायोटिक्स विभिन्न प्रकार है जो दो तरीके से हमारे शरीर में काम करती है। पहला तो है एक जीवाणु नाशक एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है। यह दवाई आमतौर पर यह तो बैक्टीरिया कोशिकाओं की दीवार या उसकी कोशिकाओं की सामग्री के निर्माण में हस्तक्षेप करती है। एक बैक्टीरिया स्टिक और बैक्टीरिया को गुणा करने में यह रोकती है। दोस्तों उसमें दुष्ट भाव है। कभी एंटीबायोटिक्स आमतौर पर निम्नलिखित दुष्ट भाव के कारण बन सकती है। दोस्तों हम अगर उसका ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें हमारे शरीर में दस्त की प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट की खराबी हो सकती है। दोस्तों यह कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयां जो लंबे समय तक उपयोग की के साथ मुंह में फंगल संक्रमण हो सकता है, पाचन तंत्र बिगाड़ने की संभावना बढ़ जाती है। एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण जैसे कि सर्दी फ्लू अधिकांश खांसी का इलाज नहीं कर पाती। तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसके कारण हमें साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें पहला है सल्फोनामाइटिस, लेते समय हमें गुर्दे की पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है सेफलोस्पेरिन, लेते हैं तब हमारे सामान्य रक्त में क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है टेट्रासाइक्लिन, लेते हैं तो सूर्य के प्रकाश की प्रति संवेदनशीलता हमारे शरीर में बहुत ही बढ़ जाती है और इसकी साइड इफेक्ट हमें होती है। चौथा है ट्राइमेथोप्रिन, लेने में हमारा रक्त में विकार होने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा है एरिथ्रोमाइसिन, लेते समय बहरापन आने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों का आंत्र सूजन
का अनुभव हो सकता है, यानी आंतों में सूजन की संभावना बढ़ जाती है जिससे गंभीर खूनी दस्त हो सकते हैं। आगे बात करें तो कम आम लोगों में पेनिसिलिन, सेफलोस्पेरिन और एरिथ्रोमाइसिन में सूजन आंत का कारण बन जाती है। ये जो तीन चार दवाइयां हैं जो आंत में सूजन का कारण बन सकती है। तो दोस्तों आगे बात करें तो कुछ एंटीबायोटिक्स मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें बैक्टीरिया अंग माइटोकॉन्ड्रियल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों मैं आगे आपको थोड़ा सुझाव दे दूं, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह के बगैर इसका प्रयोग न कीजिए। थोड़े थोड़े जो दुखाए आपको होते हैं, दर्द होते हैं, उसमें आप एंटीबायोटिक्स दवाइयों का प्रयोग न करें और आप अपने शरीर को बिगड़ने से बचा सकते हैं। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। यह पूरा वीडियो एंटीबायोटिक्स वर्सेस ह्यूमन बॉडी था। ह्यूमन बॉडी में हमें किस प्रकार इसकी असर देखने को मिलती है, यह पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो और नई इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। दोस्तों बाय बाय। दोस्तों